हेलो व्यूअर्स आज हम कक्षा नौवी के गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं यह अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके पहले हम गणित का पार्ट वन बना चुके हैं यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्ले पर देख सकते हो और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और कक्षा नवी और दसवीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो शुरू करते हैं तो यहाँ प्रश्न दे रखा है एक चित्र बना रखा है ठीक है इसमें पूछा है का छायांकित भाग एक बटे चार है तो यह सत्य असत्य है तो यह असत्य है क्योंकि इसका जो छायांकित भाग है वह है एक बटा तीन एक बटा तीन तीन भाग छायांित इसलिए इसे लिखेंगे एक बटा तीन इसके बाद अगला जो है भाज्य बराबर होता भाजक धन शेषफल तो यह असत्य ठीक है यह असत्य है अगला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर आधार गुणा ऊंचाई तो यह भी असत्य क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था एक बटे दो आधार गुणे तो ऊंचाई इसके बाद अगला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है तो यह सत्य है सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है इसके बाद है ऋण चार ये चिन्ह जो है ये इधर इस तरह बना हुआ मतलब ये बड़ा है ऋण चार बड़ा है एक बट्टा दो से तो यह असत्य है ठीक है असत्य है इसके बाद है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तीन डिग्री होता है इसके बाद प्रश्न है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए प्रश्न है चार रेखाखंडों में निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है तो इसका उत्तर होगा चतुर्भुज चार रेखाखंडों में निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है अगला है बहुपद दो ऋण घात दो धन एक घात तीन में एक की घात दो का गुणांक लिखिए तो x की घात दो यहाँ पर इसका गुणांक ऋण एक ठीक है क्या है ऋण एक इसके बाद किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 एक सौ अस्सी डिग्री एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो एक किलोग्राम में एक हजार ग्राम होते हैं इसके बाद अगला है रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है तो रेखिक बहुपद है तो उसमें चर की अधिकतम घात होगी एक दो की घात चार का मान क्या है तो दो की घात चार मतलब हुआ दो गुना दो गुणा दो गुना दो ठीक है तो दो की घात चार मतलब दो गुना दो गुना दो मतलब दो का दो में चार बार गुना होगा और इसका मान होगा सोलह क्योंकि दो तो दूनी चार चार दूनी आठ और आठ दूनी सोलह हो जाएगा इसके बाद अगला है एक घात वाले बहुपत को कहते हैं एक घात वाले बहुपत को रेखिक बहुपत कहते हैं इसके बाद है एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो एक किलोमीटर में एक हजार मीटर होते हैं इसके बाद है भिन्न एक बटा तीन का दशमलव रूप क्या होगा भिन्न एक बटा तीन का दशमलव रूप क्या होगा तो इसका दशमलव रूप होगा दशमलव तीन या दशमलव तीन 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 इसके बाद दशमलव सात पांच गुणा तीन का मान होगा तो यहाँ गुणा करके हमें लिख देना है दशमलव सात पांच में तीन का गुणा करेंगे तो आ जाएगा दो दशमलव दो पांच क्वेश्चन है और ब्रिज कोर्स के सारा पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा यदि आपने नहीं देखा है ब्रिज कोर्स तो चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है आप आसानी से ब्रिज कोर्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं किसी त्रिभुज में कितने अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं तो त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है इसके बाद अगला है तीन दशमलव सात पांच धन दो दशमलव नौ पांच का मान होगा तो हमें जोड़ देना तीन दशमलव सात पांच में दो दशमलव नौ पांच को जोड़ देंगे तो पांच और पांच दस की जीरो असिल का एक नौ एक दस और सात सत्रह की सात असिल का एक तीन और चार पांच छह मतलब छह दशमलव सात आएगा ठीक है इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन जोड़ या घटाव का आ सकता है इसके बाद तीन पदों वाले बहुपद को कहते हैं तो तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपति बहुपद कहते हैं और वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो कहलाता है ठीक है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है समानांतर चतुर्भुज कहलाता है इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो ब्रिज कोर्स के इस तरह के भी आ सकते हैं दिहाड़ी का पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय छ सौ पच्चीस रूपए बताइए उसकी सितंबर माह की आय क्या होगी तो इसको हल करना है तो सितंबर महीने में तीस दिन होते हैं एक दिन की आय उसकी छह सौ पच्चीस रूपए है तो तीस दिन की आय हम निकाल लेंगे तो एक दिन की आय छ सौ पच्चीस रूपए है सितंबर माह की आय बराबर हो जाएगा छह सौ पच्चीस गुना तीन क्यूँकी सितम्बर में तीस दिन है इनका गुना कर देंगे अठारह हजार सात सौ पचास इसका आंसर आ जाएगा उसी प्रकार अगला प्रश्न है शोभा के पास तीन बटन है उसने करीम को एक बटे पाँच भाग और जावेद को एक बट्टे तीन भाग दिया बताए किसके पास कितने बटन है तो इसको भी हल कर लेंगे हम शोभा के पास बटन है तीस करीम के पास बटन है तीस गुना एक बट्टा पांच क्योंकि एक बट्टा पांच है इसको हम पाँच एकम पाँच, पांच एकम पांच पांच तीस काट देंगे यहाँ आ जाएगा छ करीम के पास छह बटन है जावेद के पास बटन तीन गुना एक बट्टा तीन मतलब दस बटन है इसको हल कर देंगे तीन एकम तीन तीन धाम तीस दस बार कट जाएगा तो दस आ जाएगा तो जावेद के पास दस बटन है अदर शोभा के पास बटन तो अब शोभा के पास कितने बटन बचे उसके पास पहले तो तीस थे उसने से, उसमें से छह करीम को दे दिए दस जावेद को दे दिए तो इन दोनों को घटा देंगे तो ये भी ऋण का ये भी ऋण का ऋण ऋण वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा तीस ऋण सोलह और तीस में से सोलह घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा चौदह तो जा, करीम के पास, के, पास दस, के पास बटन है और जावेद के पास बटन है दस और शोभा के पास बटन है चौदह अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्रिज कोर्स का ही है राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए तो प्रतिशत बताना है पूर्णांक 600 प्राप्त चार के अस्सी क्योंकि 600 में से 480 अंकों से अंक उसे प्राप्त हुए थे तो प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा सो ठीक है प्राप्त बटा पूर्णांक गुणा सो कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा प्राप्ता उसके चार सौ अस्सी पूर्णांक छो गुना सो कर दिया है दो जीरो से दो जीरो काट दी है तो यहाँ बच्चा है छह में चार सौ अस्सी का भाग लगा देंगे ठीक है चार सौ अस्सी में छ का भाग लगा देंगे छम छ अठो अड़तालीस जीरो तो यहाँ आ जाएंगे अस्सी प्रतिशत ठीक है अस्सी प्रतिशत इसके बाद अगला प्रश्न है रहीम ने एक घंटे के तीन बटा छह भाग तक व्यायाम किया जबकि रोहित ने एक घंटे के तीन बटा चार भाग तक व्यायाम किया किसने अधिक समय तक व्यायाम किया तो रहीम ने व्यायाम किया एक घंटे का तीन बट्टा छ तो यहाँ पे काट देंगे तीन एकम तीन तीन दूना छह तो ये हो जाएगा एक बट्टा दो इसमें एक का गुणा होगा तो एक ही रहेगा ठीक है तो ये हो गया एक बट्टा दो रोहित ने व्यायाम किया एक घंटे का तीन बट्टे चार भाग तो ये तीन बटे चार घंटे हुआ और ये एक बट्टे दो घंटे अतः रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया ठीक है रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया क्योंकि इसने तीन बटे चार के तीन व तीसरा भाग यह व्यायाम किया था तो रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया इसके बाद अगला प्रश्न है आरोही क्रम में लिखिए तो यहाँ संख्याएं दे रखी जिन्हें हमें आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी और सबसे आखिरी में सबसे बड़ी संख्या आती है तो यहाँ पे इसको आरोही क्रम में लिख देंगे आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा एक दशमलव नौ उसके बाद चार दशमलव पांच पांच दशमलव एक और आखिरी में आ जाएगा पांच दशमलव चार इसके बाद अगला है दी गई आकृति के चार बटे सात भाग को छायांकित कीजिए तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं तो यहाँ पे जो आकृति दे रखी है इसके चार बटे सात भाग को छायांकित करना था तो यहाँ पे चार बटे सात मतलब सात में से चार भाग ऐसे होंगे जो छायांकित होंगे तो कुल भाग एक दो तीन चार पांच छह सात भाग है सात में से हमने एक दो तीन चार भाग को हमने छायांकित कर दिया है इसके बाद अगला प्रश्न है भाग दीजिए 505 में पांच का भाग लगाना है तो हम लगा देंगे 505 में पांच का भाग तो पांच 5 5 हो जाएगा जीरो ऊपर से जीरो उतारा तो उसका भाग नहीं गया उसका जीरो और फिर पांच उतारेंगे तो पांच एकम पांच मतलब एक सौ एक इसका आंसर आएगा इसके बाद अगला प्रश्न है ऋण बीस से बड़े चार पूर्णांक लिखे तो ऋण बीस से जब बड़े चार पूर्णांक होंगे ऋण उन्नीस ऋण अट्ठारह ऋण सत्रह और ऋण सोलह इसी प्रकार अगला प्रश्न है ऋण चार से छोटे चार पूर्णांक लिखे ऋण चार से छोटे तो इससे छोटे हो जाएंगे ऋण पांच ऋण छह ऋण सात और ऋण आठ अगला प्रश्न है योग कीजिए तीन सहित दो बट्टा पांच धन दो सहित पांच बट्टा छ को हमें योग करना है तो तीन सहित तीन बट्टे पांच धन दो सहित दो पांच बट्टा छ इसको हल कर लेंगे पांच या पंद्रह सोलह सत्रह अठारह मतलब ये हो गया अठारह 5 पांच और छह दुनी बारह और पांच सत्रह मतलब सत्रह भट्टे छह इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो तीस आ जाएगा फिर तीस का जो है इससे भाग लगाएंगे पांच से तो पांच अंग आएगा छ का अठारह में गुना होगा तो एक सौ हो जाएगा उसी प्रकार 6 का 6 में छ का भाग लगाएंगे हम तीस में तो छह पंचानी तीस पांच आएगा फिर पांच का गुणा सत्रह में होगा तो पिचासी आ जाएगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा एक सौ तिरानवे बट्टा तीस के बाद हम बुक में से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बट्टा सात और दो बट्टा सात के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट है इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट है ऐसी तीन संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती हो और परिमेय संख्या और पांच बट्टा सात और नौ बटे ग्यारह के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का जो कि आपको कर लेना चाहिए इसके बाद है प्रश्नावली एक, एक दशमलव का ज्ञात कीजिए चौसठ सहित एक बट्टे दो का मान बत्तीस सहित एक बट्टे पांच का मान और एक सौ पच्चीस के घाटा जो है एक बट्टे तीन इसका मान क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इसके बाद आपको ये जो सारांश वाला भाग है जरूर पढ़ लेना चाहिए आपकी बुक के अध्याय दो के कुछ कुछ ऐसी लाइनें यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है और वह एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं एक शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है इसके बाद घात वाले बहुपद को रेखित बहुपद कहा जाता है ठीक है एक घात वाले एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है इसके बाद है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अध्याय दो के इसमें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक स्क्वायर का गुणांक लिखे यह भी इम्पोर्टेंट है इसके बाद प्रश्नावली दो दशमलव दो का जो क्वेश्चन नंबर चार है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए तो शून्य ज्ञात करने वाले ठीक है यहाँ पे भी शून्य ज्ञात करना तो शून्य ज्ञात करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्नल दो दशमलव तीन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एक सीघा तीन धन तीन एक घात तो, दो धन तीन एक धन एक को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए और उसी प्रकार है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक घात तीन ऋण एक घात दो धन छ को एक श्रीन ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए तो भागफल वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं इसके बाद प्रश्नावली दो दशमलव पांच का पहला प्रश्न उपयुक्त सर्व समीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए इसके बाद सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नल चार दशमलव दो का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स बराबर दो वाई बराबर एक समीकरण दो एक्स तीन वाई बराबर के का एक हल हो और उसी प्रकार से निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए दो एक्स धन वाय बराबर सात पाई एक्स धन वाय बराबर नौ एक्स धन चार वाई तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद अध्याय छ में से आपके कुछ प्रमेय भी आ सकती है प्रमेय जैसे यदि एक तिरक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एक समांतर अंत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है ठीक है यदि तिरक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर एक अंत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है इम्पोर्टेंट है और यह आपके उदाहरण में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि त्रैमासिक में से त्रैमासिक एग्जाम में भी उदाहरण वाले क्वेश्चन आए थे इसी अध्याय के सारांश वाला सारा आपको पढ़ लेना है कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जैसे वे रेखा है जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंत अभिमुख कोणों के बराबर होता है के बाद त्रिभुज वाले अध्याय में से जो इम्पोर्टेंट है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है देखिए दर्शाई के ए बी बराबर है एसी और त्रिभुज एबीसी समी है तो यह जो प्रमेय सिद्ध करना है इम्पोर्टेंट है त्रिभुज वाले अध्याय में से सारांश वाले जो भी पॉइंट दे रखे आपको पढ़ना चाहिए जैसे त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण साह डिग्री का होता है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं किसी त्रिभुज में लंबी बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है और किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है इसके बाद सिद्ध करने के लिए आ सकता है जैसे यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा और इसी प्रकार है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसके बाद प्रश्नलय आठ दशमलव एक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोण तीन अनुपात पांच अनुपात नौ अनुपात तेरह के अनुपात में है इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है इसके बाद इसके भी जो सारांश वाले क्वेश्चन है अध्याय आठ के यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं जैसे किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण से दो सर्वांग में विभाजित करता है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख सम्मे बराबर होती सम्मुख कोण बराबर होते हैं विकर्ण परस्पर स्व विभाजित करते हैं एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाए बराबर हो सम्मुख कोण बराबर हो या विकर्ण परस्पर सम करते हो या समूह बुचाव का एक युग्म बराबर हो ब्रांस के सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने चाहिए तो या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसके साथ ब्रिज कोर्स का पूरा कोर्स ही एग्जाम में आएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए इसके अलावा आपको बाकी क्वेश्चन भी एक बार कर लेना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नौवीं और दसवीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए